Hi guys, welcome to Manu Education. So in this video, we will going to discuss about the most important part, which is nothing but your mock strategy. Exam ke pehle sabse important kya aata hai? Ki aapko mock dena hai. Because if you wanted to score maximum marks, definitely aapko mock dena chahiye. So that you will understood what is your weakness, what is your strength, and what where you need to exactly work. Okay? So that this is the most important thing we need to work before your examination. और वन मोर थिंग इज नथिंग बट एक्चुअल पेपर का आपको एक आइडिया आ जाता है कि पेपर मुझे कैसे देना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे मुझे डेवलप करना है, वो आपको मॉक में ही पता चलेगा. सो डेफिनेटली वी हैव टू गिव मॉक. ओके, सो लेट्स सी ईच एंड एवरी पॉइंटर्स रिलेटेड टू योर मॉक टेस्ट. एंड वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नथिंग बट द कॉमन मिस्टेक विच इज डन बाय एवरी स्टूडेंट, वो आपको नहीं करना है. ओके, लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंटर्स इन डिटेल. लेट्स सी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक विच इज डन बाय द एवरी स्टूडेंट इज नथिंग बट मॉक कब देना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन होता है कि मॉक कब देना चाहिए. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर डूइंग द सेम मिस्टेक विच इज नथिंग बट एग्जाम के 10 दिन पहले मॉक देते हैं, एंड विच लीड्स आपको नेगेटिव इंपैक्ट आ जाता है उसका, जस्ट बिकॉज ऑफ लास्ट 10 डेज में मैक्सिमम प्रेशर आपको क्रिएट होता है, एंड द मोमेंट यू डू मिस्टेक्स एंड मिस्टेक्स एंड मिस्टेक्स. ओके, तो आपको क्या करना है, कब आपको मॉक देना है. द राइट टाइम टू गिव मॉक इज नथिंग बट 1 month और 2 month प्रायर टू एग्जाम. ओके, so let's say your exam is going to held in the month of March, तो आपको first week of Jan से लेके आपको mock test देना चालू करना है. so this is the perfect time to give a mock. okay, at least 1 or maximum 2 month before the exam. okay, so that आपके क्या होगा कि इससे क्या आपको पता चलेगा, you will get a good analysis. okay, लेट्स से अगर फर्स्ट मॉक दे दिया, उसके बाद मैंने एनालिसिस देखा, सो व्हाट आई फाउंड इज नथिंग बट आई एम वीक इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कौन से टॉपिक में वीक हूँ, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स. लाइक सी क्वांट में अब मैं वीक हूँ परसेंटेज में, सो आई विल इम्प्रूव इन परसेंटेज, एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गिव मैक्सिमम टाइम टू डेवलप दैट पार्ट. ओके, और उससे क्या होगा, आपका नेक्स्ट टाइम जब आप परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, डेफिनेटली उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे. So this is one way. Okay, second thing is nothing but implementation is बहुत miss होता है. most of the time implementation बहुत, मतलब एक target रखते हैं, 10 दिन में 10 mock रखते हैं, और उसमें क्या होता है कि first दिन में first mock दे दिया, and उसको realize हुआ कि अरे यार मेरी बस की बात ही नहीं है, implementation खत्म. 10 दिन का target रखा है, पहले ही दिन में उड़ गया. this is the common mistake which is done by every student. and fourth important approach missing होता है यहाँ पे. okay, 30, 45, 60 seconds का approach होना ही चाहिए. okay, मोमेंट यू गो फॉर एनी एग्जाम, ये अप्रोच आपको डेफिनेटली आपके माइंड में होना ही चाहिए. 30, 45, 60, विच इज नथिंग बट कुछ क्वेश्चन 30 सेकंड में सॉल्व होंगे, सम क्वेश्चन विल सॉल्व इन 45 सेकंड्स, एंड सम क्वेश्चन विल टेक 60 सेकंड्स. एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो मोर देन 60 सेकंड्स लगने वाले हैं, जो इसमें आपको टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, उसको बाद में सॉल्व करना है. तो दिस इज नथिंग बट योर प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, एंड प्रायोरिटी 3 क्वेश्चन. ओके, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको 30 सेकंड्स वाले क्वेश्चन को देना है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व अ जीके क्वेश्चन. ओके, जीके क्वेश्चन को मैक्सिमम 30 सेकंड देंगे रीड करने के लिए, सो बस गो फॉर जीके क्वेश्चन. देन सॉल्व सम क्वेश्चंस विच रिक्वायर्ड 45 सेकंड्स, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है, 30 to 45 सेकंड्स में इजिली यू कैन सॉल्व. एंड सम क्वेश्चन रिक्वायर्ड 60 सेकंड्स, लाइक परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है, क्वांट के कुछ क्वेश्चन है, उसमें 1 मिनट तो लगने वाला है, तो वहाँ पर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो ये डिफाइन कर लो, एंड देन गो फॉर मॉक टेस्ट. ओके, now the 3 stages of mock. the first stage is nothing but you have to give mock. first stage is very clear, sabko pata hai mock dena hai. just second stage is most important, which is nothing but your mock analysis. aap kya karte ho yahan pe, let's say if I got 200 marks, bas yahi kya karta hu main, marks mein mujhe 200 marks mile pehle mock mein, abhi dusra mock dunga main. aap the major part is missing is nothing but analysis. okay, तो एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 10 mock की जगह पे 5 ही mock दो, लेकिन एनालिसिस प्रॉपर करो. तो सेकंड थिंग इज नथिंग बट यू हैव टू गो फॉर एनालिसिस. एनालिसिस में सबसे क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज माय स्ट्रेंथ, व्हाट इज माय वीकनेस, एंड वेयर आई एम डूइंग मैक्सिमम मिस्टेक्स. ओके, सिली मिस्टेक्स कहाँ पे कर रहा हूँ, ये मुझे पता रहना चाहिए. तो व्हाट आई डू इज नथिंग बट, इसके लिए मैंने आपको एक सबसे अच्छा रिकमेंड करता हूँ, एक्सेल शीट मेंटेन करो, और उसमें सब डेटा डालो यहाँ पे कि कौन सा टॉपिक मुझे, कौन से प्रॉब्लम्स मुझे क्रिएट हो रहे हैं. एक पूरा सिलेबस लिख लो, क्वांट का सिलेबस लिखो, रीजनिंग का सिलेबस लिखो, वर्बल का सिलेबस लिखो, और जीके का सिलेबस लिख लो, और मुझे पता चलेगा कि कौन से टॉपिक मेरे मिस्टेक्स हो रहे हैं. एवरी मॉक का आपके पास डेटा होना चाहिए, एंड वो डेटा पे आपको, लेट्स से फर्स्ट मॉक दिया
एनालिसिस किया, 3 दिन दे दो इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ओके जो वीक पॉइंट्स है आपके वीक सेक्शन से उसके लिए 3 डेज एटलीस्ट दे दो, 3 डेज। तो फर्स्ट मॉक 3 दिन का ब्रेक इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो भी वीक एरिया उसमें इम्प्लीमेंट करो, देन गो फॉर सेकेंड मॉक, सो दैट एवरी वीक यू विल गेट 2 मॉक्स, हर वीक में 2 मॉक दोगे, सो विद इन 5 वीक्स यू कैन कम्प्लीट योर मॉक टेस्ट, 10 के 10 मॉक टेस्ट आपके कम्प्लीट हो जाएंगे। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इम्प्लीमेंटेशन ये बहुत जगह पे मिस होता है, सो ये नहीं आपका मिस होना चाहिए। एंड सो फॉर दिस पर्पज मैनुअल लॉन्च सी मैट मॉक टेस्ट, सो इफ यू वॉन्ट टू परचेज दिस मॉक टेस्ट, वी हैव लॉन्च दिस मॉक टेस्ट ऑन जस्ट 600 रुपीज़ का मॉक टेस्ट है, यू विल गेट 10 मॉक, ओके। कैसे परचेस करना है, वेरी ईजी स्टेप्स है, मैं बताऊँगा, बट बिफोर दैट आपका स्कोर कितना होना चाहिए, 100 परसेंटाइल अगर चाहिए तो 350+ स्कोर होना चाहिए आपका, 99.99% चाहिए। अगर आपको जेबी में एडमिशन लेना है तो आपको जेबी में एडमिशन लेना है तो 340 आपका टारगेट होना ही चाहिए, ऑब्वियसली अगर 340 का टारगेट रखते हो देन यू कैन अचीव मोर देन 300 मार्क्स, ओके। नेक्स्ट इज 99.99% 320 मार्क्स, तो आपको यही पकड़ के चलना है, इसके नीचे जाना ही नहीं है, ओके इसके नीचे आपका टारगेट रखना ही नहीं है, इसके ऊपर ही आपको जाना है। तो 99.90 विच इज नथिंग बट 320+ वी हैव टू स्कोर। करंटली आप कहाँ पे हो, मॉक दे दो आपको पता चल जाएगा, एंड उसके बाद आपको उस पर उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। नाउ लेट्स सी हाउ टू बाय अ मॉक टेस्ट, ओके। सो कैसे करना है आपको, manureedu.com पे जाइए, देन यू कैन क्लिक ऑन बाय ऑनलाइन एंड देन क्लिक ऑन MBA एंट्रेंस, देन यू विल फाइंड अ पेज, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, मॉक टेस्ट पे क्लिक कर दीजिए, शो पैकेज एंड देन यू विल फाइंड CMAT 2022 मॉक टेस्ट, ओके। दिस इज नथिंग बट CMAT मॉक टेस्ट, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, तो यू कैन परचेज दैट मॉक टेस्ट, इसका वैलिडिटी है 31st March 2022, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इफ यू वांटेड टू जॉइन अवर बैचेस, वी हैव लॉन्च जनवरी बैच, नथिंग बट MLM पायलट बैच लॉन्च किया हम लोगों ने, एंड इफ यू वांटेड टू नो मोर अबाउट इट देन यू कैन कॉल कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 8828581455, और एल्स यू कैन विजिट अवर वेबसाइट www.manureedu.com/MBA entrance, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू CMAT एग्जामिनेशन द चेक द गूगल फॉर्म लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उसको फिल कर दीजिए, डेफिनेटली अवर काउंसलर विल हेल्प यू रिगार्डिंग योर क्वेरी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इफ यू वांटेड टू जॉइन अवर बैच, जैन मंथ में हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, सो इफ यू वांटेड टू जॉइन अवर बैच डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड यू विल गेट एवरीथिंग इन दिस बैच। सो लाइव लेक्चर्स आपको अटेंड करने मिलेंगे, ई बुक्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू, शॉर्टकट ट्रिक विल बी टीच टू यू, डाउट क्लासेस आर देयर, रिकॉर्डेड वीडियो विल बी देयर, देन टॉपिक टेस्ट, मॉक टेस्ट, व्हाट्सएप ग्रुप विल फॉर्म फॉर यू, 10,000+ क्वेश्चंस आर देयर, एंड मेंटरशिप विल प्रोवाइडेड, जस्ट यू हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन फॉलोइंग नंबर्स एंड यू कैन बुक योर सीट नाउ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।